गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह। तो रात को हम लेह में कल ही आ गए थे लेह में, तो रात को कमरा ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई, बट होटल मिल गया। आप देखो ये यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है, उस तरफ आप देख सकते हो कि बर्फ़ है, और ये पैरी धूप का नज़ारा लेते हुए आपको रूम दिखाता हूँ। और ये है हमारा रूम, यहाँ से व्यू भी काफी अच्छा है। मैं खुद को दिखा दूँ, ठीक है। तो ये एक और वो दूसरा दो रूम लिए थे हमने, काफ़ी बढ़िया मिल गए थे। अभी लद्दाख की तैयारी है, ये भी सेम ही है रूम। तो यहाँ पे बैठ के हमने वो चाय नाश्ता कर लिया है, तो वो फोटोशूट हो रहा है, चलते हैं। तो गाइस गाड़ी के पास आ चुका हूँ, तो मैंने गाड़ी को जब स्टार्ट किया तो जब चाबी लगाई तो वो शो कर रही थी कि जो चेक का निशान आता है ना इंजन पे, भी आप इंजन को चेक कराओ या समथिंग कुछ ऐसा था। तो मैंने मैकेनिक से बात की वहाँ पे अपने शहर में जो, तो उसने बोला कि ये कुछ नहीं है, आपकी बैटरी की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जैसे चार्जेस ज़्यादा हो जाती है, बैटरी ज़्यादा चलती है तो गाड़ी, तो उसने बोला कि जो बैटरी का प्लग होता है वो निकाल के दोबारा लगा दे, स्टार्ट मत करियो पहले। मैंने स्टार्ट नहीं की, तो प्लग वैसे मैंने उतार के दोबारा लगा दिया। साथ में बाइक वाली शॉप है, इनसे मैंने चाबी वगैरह ले ली, तो खुद ही उसके खोला और बैटरी निकाली और लगा दी। तो जब मैंने वो सब मारा तो वो चल गई, मतलब काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मज़ा भी आया, चल भी गई और दिक्कत भी हट गई और नॉलेज भी गेन हो गई। तो ऐसा कुछ होता रहता है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए अपनी गाड़ी के बारे में। मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि बैटरी की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम आते हैं तो ये रोड बहुत एक्सट्रीम है, बहुत डेंजरस है, रोड का भी इधर का भी उधर बहुत ज़्यादा, मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा जैसे फोर्स लगाना पड़ता है गाड़ी को, तो ऐसी जगह पे गाड़ी को कुछ होना वो नॉर्मल बात है। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज अपनी गाड़ी के बारे में होनी चाहिए। ये देखिए अभी स्टार्ट खड़ी हुई है गाड़ी, ये खड़े है जी सरजू टपके ले तो मनाली नू, सरजू तो थोड़ा है गां। देखो जी मैग्नेट हिल, मैग्नेट हिल देखो जी, ये देखो गाड़ी अपने आप जा रही है, गाड़ी अपने आप ही चढ़ाई से चढ़ती भी है जी। गाइस मैं क्षमा चाहता हूँ पापा की पंजाबी के लिए, पापा ज्यादा हिंदी बोलते नहीं है इसलिए वो पंजाबी में ही ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। गड्डियां गड्डियां पीछे गड्डियां, चलो
देखो ये चढ़ाई पे चढ़ रही है अपने आप। देखो जी चढ़ाई पे चल रही है अपने आप गाड़ी मैग्नेट हिल। देखो जी उधर नगी चढ़ाई पर चढ़ाई तो अपने आप ही चढ़ती भी गाड़ी अपने आप जा रही है अपने आप मैं कुछ नहीं कर रहा गाइस। तो लाटू शहर है जो वहां पे पहुंच चुके हैं और ये है 13,170 फीट की ऊंचाई पर। जहां पे सांस फूलती है वो है 18,000 की फीट और वो यहां से है 180 किलोमीटर। तो यहां पे हम रुके हैं पानी पीने के लिए। तो पीछे एक मैग्नेटिक हिल थी वो आपको दिखाई दी है, वो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी का जोर लगा रही थी। मैंने सोचा कि यार क्या दिक्कत है, पर आगे बोर्ड लगा हुआ मिला और पता लगा कि वहाँ पे मैग्नेटिक हिल है। रेड कलर के पहाड़ 14,000 फीट रेड कलर के पहाड़ आ गए हैं। गया विलेज है ये, गया विलेज फ्री रेड कलर के पहाड़। ये देखो ये वर्ल्ड को वहां पे लिखा हुआ था हाईएस्ट ये एल्टीट्यूड पे रोड है जो ये वाला है। आगे भी आएंगे वो बोर्ड आया था अभी हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे रोड, वो देखो वो लिखा हुआ मनाली 394। ये याक है, याक का बहुत ही फायदेमंद और फेमस जानवर है ये याक है। याक इसकी मैं फोटो डाल दूंगा आपको, ये देख सकते हो आप। और वो सामने हेवन हिल है, हेवन हिल के नाम से हेवन हिल। ये देखो ये सारे याक है, सारे के सारे याक। तांगलांगला से थोड़ी दूर है हम, कम से कम 15 किलोमीटर होगा। तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और हवा भी काफ़ी चल रही है, ठंड भी हो गई है अभी। तो जो यहाँ की हवा है ना इसी से ही सांस फूलती है ज़्यादा। तो हम मास्क लगा के रखें, मास्क से आपको पहले तो ऐसा लगेगा कि जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसके बाद फिर सेट हो जाएगा। आप देखो वो नीचे वो कैंप कर रहे हैं लोग कई, और वो दूसरी साइड वो याक ही याक हैं सारे के सारे। और वो सामने पूरा बर्फ़ का पहाड़ है। ये अपनी गाड़ी है ठंडी होने के लिए खड़ी की है। वैसे इसने कुछ मेरे को इशू नहीं दिया अभी तक, जो चढ़ाई में चढ़ते वक्त कोई इशू नहीं आ रहा है अभी तक। बस ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी आप अगर चाहते हैं कि आपकी गाड़ी अच्छे से चलती रहे तो आप घंटा डेढ़ घंटे के बाद इसको थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट इसको रेस्ट दे दो तो अच्छा रहेगा और गाड़ी भी सही से जाएगी और आपको भी थोड़ा रेस्ट मिलता रहेगा। ऐसे सफ़र पे जो काफ़ी लंबा होता है रेस्ट बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ा वक्त आप नेचर के साथ गुजारते रहो ना, थोड़ा थोड़ा वक्त बाहर निकल के, वो बहुत अच्छा रहता है। आप क्लाउड देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, इस साइड पूरा बारिश का मौसम है, इस साइड पूरा ब्लू ब्लू स्काई है। देखो जी नीले पहाड़, बर्फ देखो जी कितनी नेड़े बर्फ, वाह चिट्टी चिट्टी बर्फ, इधर देखो चिट्टी चिट्टी बर्फ, क्या बात है, बर्फ ही बर्फ। तांगलांगला पहुंचने वाले हैं जी, तांगलांगला थोड़ी दूरी रह गया बस पहुंचने वाले हैं। बादलों के ऊपर आ गए अभी।
वाला से बस थोड़ी दूर ही आ गए। तो ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। ये देखिए ये क्या चीज पड़ी हुई है, सींग है, पता नहीं बट किसका है सींग है। ये मंदिर है, यहीं से आपको दिखा देते हैं। अगर आप मेरी सांस काफी फूल रही है, तो आगे का व्यू आप देख सकते हो। ये बर्फ बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, पीछे आपने वीडियो देख ही ली है काफ़ी। यहाँ के जो ये कौवे हैं देखो कितने कितने बड़े बड़े हैं। पापा बाहर आ गए हैं, यहाँ से देखिए कितना। पहली बार क्रॉसिंग।